जब क्रिकेट में पावर प्ले चल रहा होता है तो उस दौरान रन बहुत तेजी से बनते हैं। कुछ ऐसा ही मानसून का हाल हो गया है। मानसून ने मुंबई में कल अपना पावर प्ले दिखाया। मुंबई में जितनी बारिश एक महीने में होनी चाहिए उतनी सिर्फ 5 घंटों में ही हो गई। इतनी बारिश में मुंबई समंदर में तब्दील हो गई। मुंबई से जहां तहां गाड़ियां रुक गई, लोकल ट्रेन रुक गई, लोग बीच रास्ते में ही फंस गए। 25 सितंबर की बारिश ने 5 जुलाई 2005 की बारिश याद दिला दी। मुंबई के लोगों को अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उनके ऊपर से खतरा अभी टला नहीं है। सड़कों पर समंदर आ गया, बाढ़ में गाड़ियां बन गई खिलौना। जाते जाते मानसून ने देश की आर्थिक राजधानी को खौफ में डाल दिया। बुधवार की रात 2005 जैसी खौफनाक स्थिति आते आते बच गई। मुंबई में बीती रात कितनी भयानक बारिश हुई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाएं। ये कार पूरी तरह डूब चुकी है। यहाँ एक नहीं कई कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। बारिश के पानी में ये गाड़ियां जहां तहां खड़ी हो गई हैं। बुधवार रात मुंबई के लोग कमर तक पानी से गुजरकर अपने घर तक पहुंच पाए। इसी तरह एक शख्स ने कार से शहर का मंजर कैमरे में कैद किया जिसमें कहीं भी सड़क नजर नहीं आ रही। बस नजर आ रहा है तो सिर्फ सैलाब ही सैलाब। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी किसी खिलौने की तरह बह रही है। भारी बारिश के कारण मुंबई में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेलवे ट्रैक पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया था। ऐसे ही हाल मुंबई के कई रेलवे स्टेशन का था। बारिश ने लोकल ट्रेन के पहिए रोक दिए। दफ्तर से लौटने वाले रेलवे स्टेशन पर ही फंस गए। मुंबई में भीषण बारिश के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। आधी रात तक मुंबई कर सड़कों पर फंसे रहे। उन्हें अपने घर पहुंचने में घंटों लग गए। मुंबई का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां पानी के चक्रव्यूह में कोई फंसा न हो। मुंबई में बुधवार शाम सिर्फ 5 घंटों में 3.9 इंच बारिश हो गई। इतनी बारिश एक महीने में होती है। सिर्फ 5 घंटों की बारिश ने मुंबई में 4 लोगों की जान भी ले ली। ये डिवाइडर का जो मेन होल है वो पूरा खुला हुआ था। ये बैरिकेडिंग का एक हिस्सा भी इसके ऊपर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर रख दिया गया है, लेकिन ये मेन होल खुला हुआ था। नतीजा ये हुआ कि पानी में विमल गायकवाड़ ने इसे जो है वो समझ नहीं पाई और इसमें वो सीधे जा गिरी। हर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं जहाँ मेन होल खुले होने की वजह से लोगों की जान जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि लापरवाही हुई है और इस लापरवाही में विमल नाम की महिला ने अपनी जान गंवा दी है। बुधवार को बारिश के हालात देखते हुए गुरुवार को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। गनीमत ये थी कि मुंबई में सुबह से बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई। कल से ग्रीन और येलो अलर्ट रहेंगे और आने वाले 4-5 दिन में मानसून का जो प्रभाव है थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा। पालघर के लिए रेड अलर्ट दिया गया है क्योंकि वहाँ जो मानसून का जो इंटेंसिटी दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है, इसलिए वहाँ 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है, इसलिए वहाँ रेड अलर्ट दिया। हालांकि अभी मुंबई पर खतरा टला नहीं है। शुक्रवार के लिए मुंबई वालों को मानसून के ऑरेंज अलर्ट का सामना करना पड़ेगा। इसका साफ मतलब है कि भारी बारिश हो सकती है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।